फोर व्हीलर का जमघट लगा हुआ नजर आया। कोई वहां पर भंडारा कर रहा था तो कोई हाथों में नारियल अगरबत्ती लेकर महुआ के पेड़ के दर्शन करने के लिए जा रहा था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो महुआ का पेड़ है जिसको लोग चमत्कारिक पेड़ मान रहे हैं। जो अपाहिज हैं, जो वृद्ध हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं सभी प्रकार के लोग अपने दिलों में आस्था लेकर इस पेड़ के प्रति आए हैं और किस तरह से परिक्रमा ले रहे हैं। यहाँ पे वो पेड़ है जिसको लोगों का मानना है कि इसको छूने से, इसके स्पर्श करने से उनकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। हम इसका बारी बारी से निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि आखिर वास्तविकता क्या है, लोगों से जानकारी लेंगे। आप बने रहिए तब तक हमारे साथ। महुआ के पेड़ के पास हजारों की तादाद में प्रतिदिन लोग पहुंच रहे हैं। जब स्थानीय लोगों से हमने इस पेड़ के बारे में जाना तो उन्होंने हमें कुछ इस तरह से पेड़ के रहस्य के बारे में पूरी कहानी सुनाई। वाहे भगवान ने सपनों दो बाने आके जिन्हें ऐसी ऐसी बताई लोगों ने सबो है। अच्छा। और बाने गांव में बताई तो गांव बारे जहाँ आप शुरू हो गए। अच्छा। और अब एक बात फिर का अब एक की देखा था कि ये लोग ये आराम लगा था वो हाथ पूरे दुनिया दे हाथ के लोग आल लगे थे। अच्छा दादा, आप मुझे ये बताइए क्या गांव में भी किसी लोग को यहाँ पर आराम लगा है? हाँ, गांव में बहुत आराम लगा जब से लोग आए। कितने लोगों को आराम लगा? जो भी आए हैं पूरे आदमी। कितने गिनती में बताइए? कितनी में? 500 लोगों को आराम लगा। आपके गांव में कितने लोगों को आराम लगा? एक बाई 15 साल से बिस्तर पर डली थी। अच्छा। उससे मतलब है अपने बैठा रहे थे जब वो बैठती थी। अच्छा। अब उसके मन से वो बैठने लगी। अच्छा। हाँ। क्या तकलीफ थी उनको? उनके जो हाथ पैर में दर्द था बिल्कुल, मतलब अकड़ गए थे, अकड़ गए थे। और अभी ठीक है वो? अभी ठीक है। पढ़े लिखे युवा हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस चमत्कारिक महुआ के पेड़ को लेकर। क्या नाम है आपका? दिलीप कौरव। कहाँ से हैं आप? गाडरवारा। गाडरवारा से आए हैं तो आपने यहाँ पे दर्शन किए? हाँ जी, अभी अभी आया था आधा घंटे पहले, बहुत भीड़ है। अच्छा। दर्शन हुए। तो कैसा अनुभव रहा? लोग कह रहे हैं कि हाथ रखने से हाथ खसक के पेड़ के पास चले जाते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सभी को देखा है, जो भी श्रद्धालु आए हैं जमीन पे ऐसे हाथ रख के, जो भी अपने दुख दर्द तकलीफ होती है महुए के पेड़ के पास जाते तो लोग कह रहे हैं कि आराम लग रहा है। आपने रखे थे हाथ? हाँ, मैंने भी रखे हैं। खसके थे? हाँ, ऐसे ऐसे मतलब बैठ बैठ के गया था तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो है। अच्छा। मतलब 100% श्योर तो नहीं कह सकते बट है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी MBA स्टूडेंट हूँ। MBA स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनका भी मानना है कि हाथ खसक रहे हैं, उन्हें भी यहाँ के इस पेड़ के पेड़ का चमत्कार उन्हें भी महसूस हुआ है। और भी हमारे साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर। ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन लोगों को कोई समस्या होती है, विकलांगता की समस्या होती है, उनके हाथ ज़्यादा खसकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? साईं खेड़ा गाड़। क्या समस्या है आपको? जहाँ हाथ काम नहीं कर रहा साहब। अच्छा। जो यहाँ पर अंकल जी हैं वो ध्यान लगाए हुए हैं और हाथ रख के अभी मंत्र का जाप कर रहे हैं। अभी लगातार ध्यान कर रहे हैं। जो यहाँ पर आए हैं उन्हें हाथ में, उनकी अंगुलियों में टेढ़ी हैं, कुछ समस्या है, वो यहाँ पर अपने हाथ खसका रहे हैं और लगातार ध्यान में लीन है, ध्यान कर रहे हैं कि समस्या है, किसी को भी अन्य प्रकार की समस्याएं हैं तो वो भी अपने हाथ यहाँ पर रख रहे हैं। बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, हर प्रकार के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और हम आपको दर्शकों को यहाँ पर जो स्थानीय लोगों का कहना है, जो वो दावा कर रहे हैं कि पेड़ के पास हाथ रखने से हाथ खसकते हैं, वो यहाँ पर इनको दिखाएंगे। और मुझे यहाँ पर कोई इशारा कर रहे हैं ये हाथ खसकने की, मैं चाहूँगा भाई साहब को कि वो यहाँ दिखाएं, यहाँ पर कुछ हाथ है खसकते हुए दिखाएंगे। अभी हम देखेंगे, यहाँ पर एक माताजी हैं, इनके हाथ खसकते हुए हमें दिखाई दिए थे। क्या नाम है आपका? आराधना भार्गव। कहाँ से आए हैं आप? परिया से। तो अभी आप, हमने देखा कि आपके हाथ यहाँ पर खसक रहे थे, क्या आप
बल दे रहे थे हाथ को खसकाने के लिए कि अपने आप खसक रहे थे? अपने आप खसक रहे थे। कैसा महसूस हो रहा था आपको? ऐसा लग रहा कोई खींच रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खींच रहा हो। तो यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि जब हाथ रखते हैं तो हाथ ऐसा लगता है जैसे कोई खींच रहा है, ऐसा यहाँ पर लोग दावा कर रहे हैं जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। नए गाँव में जो महुए का पेड़ है जिसे हम कड़वा महुआ कहते थे, वहाँ के बुजुर्गों ने मुझे बताया कड़वा महुआ है, और शास्त्रों में कड़वे महुए की बहुत बड़ी कहानी है। कड़वे महुए 108 रोगों पर चलता है, इसके पत्ता खाने से। जैसे जैसे लोगों को पेड़ के चमत्कार के बारे में पता चलता जा रहा है, लोग दुर्गम रास्ते होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में पेड़ को देखने के लिए जा रहे हैं। जब हम वहां पर जा रहे थे तो उस वक्त हमें कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल से ले जाते हुए नजर आए। ऐसी स्थिति में वहां पर प्रशासनिक जवाबदारियां और बढ़ जाती हैं। प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में जब हमने स्थानीय नागरिकों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व वहां पर वन विभाग के आला अधिकारी जरूर आए थे। आज जब हमारी टीम वहां पहुंची तो हमें वहां पर सुरक्षा के कोई भी प्रशासनिक इंतजाम नजर नहीं आए। लोगों की भीड़ को देखते हुए वहां पर प्रशासन की निगरानी होना जरूरी है। फॉरेस्ट वाले यहाँ सर, बस नहीं किए भी तो मतलब इसको और हटा कर रहे थे कि भाई यहाँ मतलब गड़बड़ कर रहे हैं, ना कोई व्यवस्था नहीं हुई। रेंजर ने झंडा ले गया था, फिर दूसरे दिन उसने जहाँ तहाँ झंडा लगा गया, भगवान जाने क्यों लगा गया। रेंजर आया था, उसने झंडा मंडे ले गए थे, नरियल ले गए थे बांध के गाड़ी में रखे, जैसे मतलब बुद्धि खराब हो गई इनकी, भगवान जाने क्या है। और सवेरे जहाँ तहाँ झंडी लगा गए। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, और महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीच में कोई पक्की सड़क नहीं है, कच्चे रास्तों को पार करके दो दो नदी को पानी में से पार करके लोग आ रहे हैं। यहां पर एक सवाल पैदा होता है प्रशासन के ऊपर कि हजारों की तादाद में घने जंगल के बीच में जब लोग यहां पर आ रहे हैं तो किसकी जवाबदारी है। हजारों लोग जोखिम पार करके यहाँ पर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि किसी बड़ी घटना दुर्घटना से बचा जा सके।